नमस्कार दोस्तों, जो भी स्टूडेंट यहां पर 2023 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं यानी कि 2021 में अपना नामांकन करवाए हुए हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है। जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से नवमी की रजिस्ट्रेशन चल रहा है। जो भी स्टूडेंट इस साल यानी कि 2021 में नामांकन करवाए हैं उन सभी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा पाए हैं उनके लिए जो तिथि है, रजिस्ट्रेशन डेट है, उससे विस्तार कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसे हम जान लेते हैं कि ये कब तक विस्तार किया गया है और आपको कब तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं आप रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे। तो यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगा इस वेबसाइट के द्वारा होगा, लेकिन आपको इस वेबसाइट पर खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, अपने कॉलेज या स्कूल में जाना है, मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं 15/8/2021 तक डेट दिया गया है। इससे पहले जो डेट था वो समाप्त हो गया है और इस बार 15/8/2021 तक आपको डेट मिला है, आप अपना रजिस्ट्रेशन नवमी में करवा सकते हैं। ध्यान रहे, जो भी स्टूडेंट इस साल यानी कि 2021 में अपना नामांकन करवाए हैं और 23 में अपना मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं। यहाँ पर नीचे आते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वेबसाइट से एक फॉर्म डाउनलोड कर लेनी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेनी है। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप जब अपने स्कूल या कॉलेज जाएंगे तो वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। उसके बाद उस फॉर्म को भर देना है और अपने कॉलेज या स्कूल में जमा कर देना है। स्कूल में जमा करने के बाद स्कूल के प्रधानाध्यापक उसे रिव्यू करेगा, सब कुछ सही सही है, मिलान करेगा, उसके बाद उसे ऑनलाइन वो खुद ही कर देंगे। आपसे कुछ रुपया लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का और रजिस्ट्रेशन फीस का। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।